अक्सर हम कचौड़ियाँ तो कई बार बनाते हैं, कई बार खाते हैं, लेकिन वही फीलिंग पता है कचौड़ी में होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दाल या आलू या मटर। लेकिन आज की रेसिपी में जो कचौड़ी है उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग है जो कि टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। इसकी जो लेयर है जो अक्सर हम पेटीज खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन पेटीज की तरह हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपकी कचौड़ी बहुत बढ़िया लेयर वाली बनेगी। तो आज बनाएंगे पालक से एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे बड़े बेहद पसंद करेंगे। मुझे पता है कि आपको इसे बार बार बनाना पड़ेगा। इसे पालक की एक गड्डी ली है और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके इसे अलग कर दिया है, साफ कर लिया है। अब चलते हैं, एक परात लेते हैं। इसमें मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, बहुत थोड़ा सा नमक डाला है, मोयन अभी मैंने 3 चम्मच डाला है। फिर भी आप इस तरीके से मुट्ठी बन रही है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। मुट्ठी अगर बन रही है तो बस, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। सादे पानी से इसे गूंथ लेना है और तो और इसे इतना सॉफ्ट रखना है कि ये बिल्कुल रोटी जैसा आटा हो। अब इस आटे को हमें गीले कपड़े से ढक के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम पालक को बहुत बारीक काट लेते हैं। यहाँ लेते हैं कढ़ाई, इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है ऑयल और मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भर के अदरक और हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने चॉप कर लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हैं। इन दोनों को पकाने के बाद बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नॉर्मल मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर। और इन मसालों को भूनने के बाद, यहाँ पर मैंने भून के पहले से ही रखा है बेसन। आप बेसन ले सकते हैं, कोई नमकीन ले सकते हैं, या फिर आप जो भुने चने का आटा होता है वो भी ले सकते हैं। मैंने बेसन को अलग से रोस्ट कर लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये बेसन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पालक जो है ना काफ़ी सारा पानी छोड़ेगी, फिर जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें परेशानी होगी पानी होगा तो पालक का पानी बिल्कुल भी ना रहे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बेसन यूज़ किया है। थोड़ी देर अच्छे से भूनते जाइए, अगर भून लिया है पहले ही तो बस पालक डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा बचा हुआ बेसन और भी था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जब ये पालक बहुत अच्छे से भुन जाए, इसका बिल्कुल पानी सूख जाए, तब आप इसमें डाल दीजिए 150 ग्राम के आसपास पनीर। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कर दिया है पनीर को और इसमें डालकर मिक्स किया है। आप चाहें तो और भी इसमें तमाम मसाले डाल सकते हो, प्याज लहसुन, पर मैं कोशिश करती हूँ कि कम मसालों में अच्छी चीज़ बने, यही मैं चाहती हूँ। तो मैंने इस पालक पनीर की फिलिंग को एक प्लेट में रख दिया है, इसे ठंडा ज़रूर करना है। अब जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे एक आलू की सब्जी भी चाहिए। यहाँ मैंने ऑयल लिया है करीब 2 चम्मच, उसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है जीरा, 2 से 3 सूखी साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ते को तोड़कर इसमें डाल दिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दी है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ जिससे मसाले जले ना। 1/2 चम्मच में जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच में काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, फिर से मैंने डाल दिया पानी, मुझे धनिया थोड़ा कम लग रहा था तो 1/2 चम्मच धनिया भी डाल दिया है। अब ये मसाला भुन गया है, इसमें जो क्रश किया हुआ आलू है वो मैं डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ी खट्टी मीठी चटनी, जो नॉर्मल हम चाट के लिए बनाते हैं ना चटनी, बस वही डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है, ये कच्चा डालेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग आएगा। रसे के लिए इसमें पानी डाल दीजिए और बढ़िया पतला इसका रसा बनाइए। जब इसमें उबाला आ जाए तो आपको इसका टेस्ट आएगा, खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी। हरे धनिया की गार्निश कर दीजिए। तो ये चटकारेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है और ये सब्जी हम इस लेयर वाली कचौड़ी के साथ खाने वाले हैं। मैदे को भी रेस्ट मिल गई है, इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। करीब करीब मैं इसकी 8 लोइयां बना लूंगी पूरे आटे से। हम इसे बेलने जा रहे हैं। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबाइए जिससे जो भी रेसिपी मैं आपके लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। हमें सिंपल तरीके से पहले बेलना है, नॉर्मल जैसे हम पतला बेलना है।
इसे बनाना बहुत आसान है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्टेज पर बनाकर आप रख दें, उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। इसे पतला बेलने के बाद आपको हल्का सा इस पर घी लगाना है। घी लगाने के बाद छन्नी से आपको थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए। देखिए, मैं अगर बोल रही हूँ उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर चेक कीजिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद वापस मैंने घी लगाया, हाथों से जरा सा ही घी लगाना है, ज्यादा नहीं। फिर से मैंने मैदा छिड़का, फिर मैंने तीसरा फोल्ड किया। जब मैंने तीसरा फोल्ड किया है तब मैंने थोड़ा सा बेला है, बेला इसलिए ताकि वो अच्छे से दब जाए। दबने के बाद फिर से मैंने थोड़ा घी लगा के इसके ऊपर मैदा लगाया। अब इसका टाइट रोल बना रही हूँ मैं, हवा नहीं होनी चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा पानी लगा के इसको इस तरीके से रोल बना लीजिए। इतने इतने रोल बनाकर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं धागे से काट रही हूँ क्योंकि मुझे फिनिशिंग चाहिए। कई बार हमारे घर में नाइफ नहीं होता तीखा, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल नाइफ से कट कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, जिससे उसकी लेयर अंदर बाहर हो जाएंगी और वो बहुत बढ़िया लेयर खुलेंगी नहीं। तो या तो आप धागे से कीजिए या फिर चाकू से कीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने रोटी बेल ली, घी लगाया, मैदा लगाया। तीसरा फोल्ड करने के बाद देखिए मैं दोनों तरफ से इसे बेल रही हूँ, उसे थोड़ा पतला कर रही हूँ। तब हल्का सा घी लगा के, मैदा लगा के फिर से मैं इसका रोल बना रही हूँ। रोल बनाते टाइम बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए, टाइट रोल होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप हैं जिसे हमें समझना है। ये देखिए, मैं फिर से इसे धागे से कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं रखती जा रही हूँ। अब इसे भी हमें ढक के रखना है गीले कपड़े से, वरना ये सूख जाएंगी। अब जिस तरफ वो साइड वाला साइड था वो हमें ऊपर रखना है, और जो हमने धागे से काटा था उसे हमें नीचे रखना है। इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसे बेलना है, बेलकर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है। जो हमने फिलिंग बनाई है उसको यहाँ सेंटर में रखना है। आप चाहें तो ऐसे ही रखें या छोटे छोटे बॉल्स बना लें फिलिंग के, जिससे हमें बीच में रखने में बड़ी आसानी हो। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और एक और बात, यहाँ अगर आपने अच्छे से बांधा नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, खुल सकती है ये कचौड़ी। अगर आपने अच्छे से बांधा तो ये खुलेगी नहीं। बस अब बेलना नहीं है, बस हाथ से दबा देना है। फिर से हमें इसे रोल को बेलना है। बेलते टाइम आपको यही ध्यान देना है, जो बाहर वाला साइड था उसके ऊपर हम बेलेंगे, जहाँ धागे से काटा था उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ मैंने फिलिंग रख के पानी लगा के इसे फिर से इस तरीके से बांध दिया है। नॉर्मल सी कचौड़ियाँ हम अक्सर बनाते हैं, आप चाहें तो इसमें आलू भी भर सकते हैं, पर मेरा मन किया जैसे पेटीज खाते हैं ना हम लोग, पालक पनीर की पेटीज, तो ये फिर हमें बेक करने का भी टेंशन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्गरिन डालडा घी लगाने का भी टेंशन नहीं है। तो नॉर्मल थोड़े से शुद्ध घी से ही हमारी ये काफ़ी सारी लेयर वाली पेटीज बन जाती हैं। यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर पहले बनाया, और डालते टाइम भी मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया होगा, जहाँ से हमने बांधा था वो मैंने नीचे रखा है पोर्शन, और तब तक नहीं चलाऊंगी जब तक ये अच्छे से थोड़ी पक न जाए। जो नीचे खुलने वाला पोर्शन होता है, जब थोड़ा पक जाता है ना, तब ही हमें पलटाना है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, तीन बिल्कुल परफेक्ट बंधी हुई हैं, चौथी में हल्का सा होल आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है इस बात का कि हमें बांधते टाइम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब धीमी आंच पे हमें इसे पकाते जाना है। आप देखिए कितनी सारी लेयर्स उसकी खुल गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी, दिखने में भी सुंदर और खाने में भी बहुत अमेजिंग। इसे आप निकालते जाइए। इसी तरीके से मैं और भी बनाती जा रही हूँ। आप सब्जी भले ही ना बनाएं, मीठी चटनी के साथ, टमेटो केचप के साथ भी पेटीज की तरह ये बहुत पसंद आएंगे। आप हरी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसे आप इफ्तार के लिए बना सकते हो। और हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब इसे सर्व करने के लिए आप एक दोना ले सकते हैं। सब्जी बनाई है तो सब्जी भी डाल देती हूँ, और इसे तोड़ के मैं इस तरीके से रख देती हूँ। मैंने तो आपको टमेटो केचप से खिलाकर नहीं दिखाया, पर आप टमेटो केचप से जरूर खाना, कि मेरे घर में जिसने भी खाई ना, सबने यही बोला कि ये वाली कचौड़ी ना आपको टमेटो केचप से ज़्यादा ही अच्छी लग रही है।